नमस्कार, मी उमा रेवणकर माझ्या मोगाच्या रांचीकूडमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आज लपलेल्या सुगरणी विशेष भागात आपली लपलेली सुगरण आपल्यासमोर अजून एक हिवाळा स्पेशल रेसिपी घेऊन येते. चला तर तिला भेटून तिची थोडी ओळख करून घेऊया. नमस्ते, मैं अलका परेश जयसवाल. मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी रेसिपी मुगाची रांचीकूड में शेयर कर रही हूँ. हरे मटर की सब्जी जिसे निमोना कहते हैं, कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सबसे पहले निमोना बनाने की सामग्री देखते हैं. एक कप मटर, मीडियम पीसेस में कटे हुए दो आलू, बारीक कटे हुए दो कांदे, बारीक कटे हुए दो टमाटर, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया का पेस्ट, चार बड़े चम्मच तेल, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर, दो तेज पत्ते, बारीक कटी हुई हरी धनिया और स्वाद अनुसार नमक. सबसे पहले मटर को दरदरा पीस लेते हैं. इसके लिए मिक्सर रुक रुक कर चलाना है. पीसने के बाद मटर कुछ इस तरह दिखना चाहिए. अब कढ़ाई में तेल गरम करते हैं. तेल गरम होने के बाद कटे हुए आलू के पीसेस डालते हैं. थोड़ा पकने के लिए 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर छोड़ देते हैं. आलू ज़्यादा ना पके इसके लिए कांटे से आलू का पीस कट करके देखते हैं. अभी फ्राई किए हुए आलू प्लेट में निकाल लेते हैं. उसी तेल में हींग का छोंक देते हैं. उसके बाद 2 तेज पत्ता और कटा हुआ बारीक कांदा गुलाबी होने तक भूनते हैं. कांदा गुलाबी होने के बाद हरा पेस्ट डालकर भूनते हैं. फिर टमाटर डालकर अच्छे से पकाते हैं. टमाटर पकने के बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स करते हैं. मसाला पूरा भुनने के बाद दर मोटा पिसा हुआ मटर मिक्स करते हैं. अब इसे 10 से 15 मिनट तक भूनना है. फिर आलू के पीसेस डालकर मिक्स करते हैं. दो गिलास पानी डालकर अच्छे से उबाल लेते हैं. फिर ऊपर से हरा धनिया डालकर गैस बंद करते हैं. तैयार निमोना, जिसे आप रोटी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. हिवाळ्यात मार्केटमध्ये जिकडे तिकडे मटार दिसतात, मग आहे ना एकदम परफेक्ट मटारयुक्त रेसिपी. ही सोपी रेसिपी आपणास दाखवल्याबद्दल सौ अलका परेश जयस्वाल यांचे मनापासून आभार. ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा आणि आवडली तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या मोगाच्या रांचीकूडला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकनवर क्लिक करा. तर पुन्हा भेटूया अशा सोप्या आणि झटपट रेसिपींबरोबर. तोपर्यंत देव तुमच्या सगळ्यांचे आरोग्य बरे धरू.